अभी कुछ टाइम पहले मैं जयपुर गया था और वहाँ मैं गया था जल महल पे। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रीट फोटोग्राफी पीओवी बनाया और बीच में एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी है, तो ये पीओवी एंजॉय कीजिए। इस वीडियो में जो भी इमेजेस हैं मैंने फूजी फिल्म X30 से क्लिक करी हैं। कैसे भाई? दिल्ली से? हाँ यार, अभी आया था घूमने। इनके प्री वेडिंग करते हो? कमर्शियल? अच्छा अच्छा। अरे एक सेकेंड ना, करते हैं बात यार, एक सेकेंड दो बस मुझे। हाँ मेरे वो मैंने एक बार क्या करी थी सबमिट। अच्छा, आपने बहुत ट्राई करी थी और वो अच्छी भी थी। क्योंकि यार मतलब हेलो वाओ ये वो, उससे तुम्हारी कोई गेनिंग नहीं होगी ना, कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। जो दोस्त है ऐसे देखते बोलते अरे चूतिया भाई, वही दोस्त है तुम्हारा जो बोले वाओ ये वो, उससे फ़ायदा नहीं ना तुम्हारा कोई। मैं जिनसे भी सीखा उन्होंने सबने मेरी बुराई करी, तभी मैं इतने कम टाइम में आगे बढ़ पाया। अगर वो मेरे को हेलो वाओ ऑसम करते रहते मैं कभी आगे नहीं बढ़ता। अच्छा यार, बस बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मुझे ना थोड़ा कम एलिमेंट्स में शूट करना सही लगता है। आप
कैट वाली पिक्चर यार। हाँ वो जामा मस्जिद की है। इस तरफ जाऊँ इसके बाद के फिर इस तरफ निकलूँ? इस तरफ तो कुछ मतलब जलमहल से आगे जाना चाहिए। हाँ मतलब वही स्ट्रीट ही करनी है यार अपने। तो मेन सिटी में करो वो जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ हवा महल के पास। हवा महल के अराउंड और सिटी पहले जनता में। बट मुझे ना ये सब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है पता है। कल आप कर ले और मतलब फटाक से तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। मतलब अजीब सा कुछ वियर्ड उसे पकड़ो हमेशा। और हमेशा बैकग्राउंड से फोरग्राउंड देखो। कभी भी फोरग्राउंड से बैकग्राउंड मत देखो क्योंकि तुम्हारा फोरग्राउंड कितना भी स्ट्रांग हो अगर तुम्हारा बैकग्राउंड ख़राब है ना तुम्हारी स्टोरी मैक्सिमम न्यू कमर्स की यही दिक्कत है कि वो यहाँ से यहाँ देखते हैं बल्कि वहाँ से यहाँ देखना चाहिए। बैकग्राउंड से फोरग्राउंड। हाँ हमेशा आपकी रूट स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ऑलवेज लुक फॉर द बैकग्राउंड देन मिडग्राउंड देन। जैसे स्टोरी टेलिंग होती है जैसे वो सारे मिमिक वगैरह। हाँ आप भी उनके साथ करते हो तो जैसे वो तो मतलब लेजेंडरी है। तो नेवर लुक एट द नेम ऑफ फोटोग्राफर ऑलवेज लुक एट द फोटोग्राफ कि हाँ फोटोग्राफ कैसी है। वो मत देखो कि वो एक साल से कर रहा है 10 साल से कर रहा है 50 साल से कर रहा है 100 साल से कर रहा है। फोटोग्राफ देखो अच्छी है अप्रिशिएट करो। तो हमेशा फोटोग्राफ से सीखो ना कि फोटोग्राफर से। तो वो तभी तुम ग्रो कर पाओगे जल्दी। देखो अभी देखो ये मूवमेंट है तो ये देख रहे हो कितनी स्पॉन्टेनिटी है। ठीक है अभी ये रेड पेन रखा है वो देखो रेड में आ रही है। अगर मे भी यहाँ पे आए तो पोर्शन बनेगा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो वो है तो ऐसे तुम्हें फटाफट ऐसे देखना होता है। बार बार विजिट करो इसे बार बार विजिट करो तुम्हें हर बार कुछ गजब मिलेगा कुछ नया ही मिलेगा। आज मेरा शूट है नहीं तो मैं जरूर यार सीखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं यार हमें खुद सीखने को मिलता है यार जो जो मिलता है सब एक दूसरे से सीखते हैं। अभी जब तक इसकी बैटरी चलेगी चलाऊंगा तो क्या होता है ना क्या बोलते हैं मतलब माइंड ब्लॉक हो जाता है जब हम कॉम्पिटिशन करते हैं ना तो सेम टू सेम करते हैं। एग्जैक्टली वो तो मज़ेदार नहीं है ना। अगर आपने पीओवी यहाँ तक देखा इट मीन्स आप रियली इंटरेस्टेड इन स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप और कहाँ का पीओवी देखना चाहते हैं।